मैं प्रिया संधु प्रेजिडेंट एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, आज पंजाब के पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवानों की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया है जलंधर में। आज के इस धरना प्रदर्शन का कारण ये था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो बहुत लंबे समय से पैरामिलिट्री फोर्स की जो पेंडिंग मुद्दे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। हमारी मांगे ना माने जाने के कारण हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड पर्सनल और उनके परिवारों के ऊपर बहुत भारी रोष पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मोरल है वो इतना हाई नहीं है, क्योंकि जो ड्यूटी हम करते हैं हम आर्मी से ज़्यादा करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर के ऊपर, एसएसपी नेपाल के बॉर्डर के ऊपर, सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ के ऊपर, सीआईएसएफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट सभी के ऊपर ड्यूटीज़ कर रही है। अगर हम लोग अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ड्यूटी सही कर रहे हैं तभी ही हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो चैन की नींद सोती है, तो फिर हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे को भी वही सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो सुविधा आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को मिलती है। ड्यूटी हम भी उतनी करते हैं बल्कि आर्मी से ज़्यादा करते हैं। हमारे जितने जवान शहीद हुए हैं हमारे को कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, हमारे को GST माफ़ भी नहीं है, हमारा अर्धसैनिक बोर्ड का गठन भी नहीं किया गया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे को उतना एक्सग्रेशिया नहीं मिलता जितना डिफेंस फोर्स पर्सनल के जवान को मिलता है। अभी माननीय हाईकोर्ट दिल्ली ने 11 जनवरी 2023 को आदेश पारित किया है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो भी यूनियन के, डिफेंस के पर्सनल माने जाएंगे और उनको भी वही सुविधा लागू है जो डिफेंस में लागू है। हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी गई है? हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, हमारे को भी वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। और सबसे मेन और अहम मुद्दा हमारा ये है कि हमारे ऊपर CCS रूल लागू नहीं होने चाहिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के सेपरेट सर्विस रूल होने चाहिए। हमको सिविलियन नहीं है कि हमारे को सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं। अगर हम सिविलियन हैं तो हमारे से सिविलियन की तरह काम किया जाए, हमारे को कोट पैंट पहनाए जाए, टाई लगवाई जाए और राइफल के बगैर डंडा दे के ड्यूटी कराई जाए बॉर्डर के ऊपर। जब हम राइफल पकड़ते हैं, इतनी बड़ी तोपें चलाते हैं, आर्मी की तरह वर्दी पहनते हैं, अंधेरी में, बारिश में, कीचड़ में, दलदल में ड्यूटी करते हैं, तो हमारे को वो सुविधा क्यों नहीं मिलती जो सुविधा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिलती है? हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और आज का जो धरना है ये एक मेरी छोटी सी आज हमारी आरंभ है। इसके बाद ये ना माना जाए ये छोटा सा ही धरना है, ये हमने गवर्नमेंट को एक चेतावनी दी है कि आज का हमारा एक पंजाब में पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का धरना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम एक रणनीति तैयार करेंगे और पंजाब लेवल का एक बड़ा धरना लगाएंगे। उसके बाद हम इंडिया लेवल के धरने लगाने शुरू करेंगे। अगर किसान अपनी मांगे मनवा सकते हैं, हम तो 40 साल हिंदुस्तान की पब्लिक की सिक्योरिटी की है, तभी तो हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो ना अपने कारोबार चलाती है, या हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने बच्चों को कारोबार आगे बढ़ाती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो बॉर्डर के ऊपर अपनी ड्यूटी तनदेही ना निभाते हैं। फिर हमारे साथ उतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चेतावनी देते हैं और माननीय मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी जो लंबे समय से मांगे हैं वो पूरी की जाए, नहीं तो 2024 में आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारे 60 लाख परिवार जो है हिंदुस्तान के, हम नहीं वोट डालेंगे इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को, हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे जो पार्टी पैरामिलिट्री फोर्स के मुद्दे सुलझाएगी, उनके वेलफेयर करेगी, उनके परिवारों के बारे में सोचेगी। जय हिंद।